देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरा सब व्यस्त हैं खून गरीब का पीने में, तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ। परम आदरणीय सभापति महोदय, मंचासीन निर्णायक मंडल समिति एवं उपस्थित मेरे प्यारे साथियों, मैं आरक्षी खुशबू चौहान, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, आज सदन की राय से असहमत होते हुए वक्ता विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। महोदय, दर्द हद से तब गुजरने लगता है जब मेरी आंखों के सामने ताज, पुलवामा, छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों के शत विशत अधजले शरीर के टुकड़े, रेत के टीलों से ऊपर जाती लाशों के ढेर और कश्मीर की खून से सनी लाल रंग की सड़कों के दृश्य सामने आते हैं। उस पर मेरे प्रतिपक्षी महोदय का कहना ये कि मानवाधिकारों की अनुपालना करते हुए देश से उग्रवाद और आतंकवाद को समाप्त किया जा सकता है। महोदय, अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल फहराने से ज्यादा मैं कफन में दफनाने के क्यों काम आ रहा हूँ। महोदय, हृदय तो उस दिन फट गया जब बूढ़ी माँ अपने बेटे के चितड़ों को देखकर बोली कि साहब, आप तो भर्ती में एक इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। महोदय, आज इन मानवाधिकारों के कारण इन आतंकियों के बंगलों की आकाओं की नाकफनी हंसती है और शहीद हुए हमारे जवानों के आंगन की तुलसी रोती है, जब एक शहीद हुए जवान की विधवा की वेदना चीख चीख कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नोनी हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। महोदय, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करना सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पहल करके बड़े बड़े युद्धों के परिणाम बदल दिए गए हैं, परंतु आज मानवाधिकारों के कारण हमारे देश के जवान इस कदर बंधे हुए हैं कि अपनी ड्यूटी पर खड़े होकर भी वो आज पहल करने से डरते हैं, क्योंकि महोदय, भविष्य में उन्हें कटघरे में खड़े होने का डर सता रहा होता है। वो ये जानते हैं कि चाहे एक उग्रवादी की राइफल से निकलने वाली गोली को ये तय करना पड़े या ना पड़े कि वो किसे लगेगी, लेकिन हमारी राइफल से निकलने वाली हर गोली को ये निर्णय लेना पड़ता है कि चाहे वो किसी निर्दोष को लगे, दोषी को लगे या ना लगे, परंतु किसी निर्दोष को नहीं लगनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो ना तो ये समाज हमें छोड़ेगा, ना ही तिल का तार बनाने वाली ये मीडिया हमें छोड़ेगी। और महोदय, मानवाधिकार के तले किसी जवान को दबाकर युद्ध के मैदान में छोड़ देना कोई वीरता नहीं, एक आत्महत्या है, क्योंकि महोदय, फूल को श्रृंगार दो ये मुमकिन नहीं और एक वीर को झनकार दो ये मुमकिन नहीं, जो हाथ बांधे सेना के, ऐसे मानवाधिकार का पालन संभव नहीं। महोदय, आज सत्यनिष्ठा के मार्ग पर चलते हुए भी हमारे देश का जवान इन आतंकवादियों, इन पत्थरबाजों से डरता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी राइफल से निकलने वाली गोली अगर टारगेट को हिट नहीं भी करेगी तो भी 400 मीटर तक जाएगी, और यदि इस बीच वो किसी निर्दोष को लग गई तो महोदय, हमें अपनी नौकरी से हाथ तक धोना पड़ सकता है। और महोदय, अपनी नौकरी को बचाने की खातिर एक जवान आज ये सोचता है कि चाहे सांप मरे या ना मरे, परंतु लाठी नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि आज हमारे देश के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि चिरागों को हवाओं में उछाला जा रहा है, हवाओं पर भी रोब डाला जा रहा है, अरे हम ही तो बुनियाद है आंतरिक सुरक्षा की और आज हमें ही नौकरी से निकाला जा रहा है। महोदय, जब पुलवामा में 44 जवान शहीद हुए, छत्तीसगढ़ में 76 जवान शहीद हुए, तो कोई भी मानवाधिकार की दुहाई देने वाला हमारे पक्ष में आकर खड़ा नहीं हुआ, परंतु जब जेएनयू विश्वविद्यालय में एक देशद्रोही के द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं जैसे देशद्रोही नारे लगते हैं, तो सारे मानवाधिकार के ज्ञाता आकर उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तभी तो क्या कहा था उस देशद्रोही ने कि तुम एक अफजल को मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, तो मैं भारत की बेटी अपनी भारतीय सेना की तरफ से आज ये ऐलान करती हूं कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। उठो देश के वीर जवानों, तुम सिंह बनकर दहाड़ दो और एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया के सीने में गाड़ दो। महोदय, अंत में अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मुझे अफसोस है अपने देश की न्यायिक प्रक्रिया पर, जहां आज भी रात के 12 बजे अजमल कसाब जैसे आतंकी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ऐसे देश से मानवाधिकारों की अनुपालना करते हुए आतंकवाद और उग्रवाद से कभी नहीं निपटा जा सकता। मानवाधिकार के नाम की दुहाइयां देने वालों, सीमा पर लड़ा नहीं जाता चरखों से शोलों के आगे, रामायण पढ़ी नहीं जाती सीमा पर गोलों के आगे, धरती के घोर कुहासे को एक सूरज ही हर सकता है, क्योंकि एटम बम से रक्षा
रक्षा केवल एटम बम ही कर सकता है। जय हिंद जय भारत। वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबाएं।